अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। निर्माण की दिशा में जाने वाली कला, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, सभी विधाओं का मैं सृजक और रचनाकार हूं। मैं ओंकार प्रसन्न वृत्रासुर यज्ञ पिता त्वष्टा के सम्मुख आता है तो वे उसे इंद्र से प्रतिशोध लेने का आदेश देते हैं। वृत्रासुर स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को निगल जाता है। शची विलाप करती हुई मां शक्ति से प्रार्थना करती है। मां की कृपा से इंद्र वृत्रासुर के पेट से बाहर आते हैं। इंद्र व शची कैलाश पर शिव की शरण में जाते हैं। वहां शिव इंद्र को प्रताड़ित करते हैं। दूसरी ओर चिंतित इंद्र और देवी शची को श्री हरि विष्णु ने आश्वासन देकर शांत किया। प्रणाम यज्ञ पिता। आज्ञा करें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? वृत्रासुर मेरे यज्ञ पुत्र होकर मेरे शत्रु इंद्र से मित्रता करते हुए तुम्हें लाज ना आई? अपने यज्ञ पिता का गर्व खंडित करते हुए तुम्हें विचार ना आया? मित्रता में लज्जा कैसे यज्ञ पिता? इंद्र ने स्वयं ही लज्जित होकर मुझसे क्षमा याचना की है और जब इंद्र ने स्वयं ही मित्रता का हाथ बढ़ाया तो शत्रुता रखने का अर्थ ही क्या रह जाता? शत्रुता का अंत दो ही प्रकार से होता है, प्रतिशोध से अथवा क्षमा याचना करके मित्र भाव से। और यहां तो दोनों ही कार्य हुए। इंद्र को स्वर्ग से वंचित करके प्रतिशोध पूर्ण हुआ है और उसे क्षमा करके मित्र भाव की पुष्टि भी हुई है। बस मित्र भाव से तुमने उसे क्षमा अवश्य कर दिया किंतु वो क्षमा करने योग्य नहीं है। छली और कपटी अपनी दुर्बल स्थिति से उबरने के लिए अवसरवादी बनकर क्षमा भी मांग लेते हैं किंतु वो क्षमा उनके मन के प्रायश्चित से उत्पन्न नहीं होती, यह उनकी दुर्बलता और छल की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें पुनः सावधान करता हूँ, इंद्र कपटी है। मित्रता का ढोंग करके अवसर पाते ही वो तुम पर प्रहार करने से चूकेगा नहीं। तुम्हारा हित इसी में है कि मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की मित्रता स्वीकार कर दो और उसे तुरंत स्वर्ग से बहिष्कृत कर दो। नहीं यज्ञ पिता, ऐसा नहीं। इंद्र सच्चा मित्र है। यदि उसके मन में कपट होता तो वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके स्वर्ग के सिंहासन को पुनः मुझसे ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब तक नहीं किया तो अब करेगा? नहीं यज्ञ पिता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या वो मुझसे मित्रता का संबंध नहीं तोड़ोगे? नहीं यज्ञ पिता, मेरे लिए अब उसकी मित्रता को ठुकराना संभव नहीं। मेरी बात मान लो वत्स। नहीं यज्ञ पिता। वत्स, इंद्र की मित्रता तुझे कहीं का नहीं रखेगी, नहीं डूबेगी तुझे। माता, माता शक्ति, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? दुष्ट इंद्र के कपट जाल से इसे कैसे बचाऊं? मुझे मार्ग दिखाओ माता, मुझे मार्ग दिखाओ। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। राज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। राज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। हम स्वर्ग सम्राट के सम्मुख नृत्य कर मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे परम मित्र देवराज इंद्र कहाँ है? उनके बिना कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा है। यज्ञपुत्र, इंद्रदेव ने ये संदेश भिजवाया है कि वे शीघ्र ही आएंगे। संदेश भिजवाया है?
क्या वे हमसे स्वयं मिलकर नहीं जा सकते थे? हमारी मित्रता से अधिक बढ़कर और कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा? बताओ। प्रिय पर्वत, क्या बात है, उदास क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आज मुझे अपने प्रिय मित्र नारद की स्मृति पीड़ित कर रही है, रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है। यदि ऐसा है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते? कहां ढूंढूं उन्हें, नारद तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, कैलाश, आकाश, ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और फिर जहां मेरा प्रवेश निषेध है, मैं उन्हें ढूंढने वहां कैसे जा सकता हूं? कृपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाय बताएं। प्रिय पर्वत, तुम्हारा प्रेम और मित्र भाव का आकर्षण नारद को यहां खींच कर ला रहा है। अब तुम दोनों की भेंट शीघ्र हो जाए। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। कब होगा हमारा कल्याण देवगुरु? अर्थात? मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदा ही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर स्वर्गाधिपति होने के गौरव से वंचित रहेंगे? प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। देवगुरु, जब तक देवराज इंद्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? वे वृत्रासुर की मित्रता में खोकर अपना गौरव भी भूल गए हैं। हम वृत्रासुर की जय जयकार करते करते अब थक चुके हैं देवगुरु। कुछ उपाय करें देवगुरु। देवराज को परामर्श दें कि वे वृत्रासुर का अंत करके पुनः देवलोक में देवगण का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करें। वृत्रासुर का अंत करना इतना सरल नहीं है पवन देव, जितना कि तुम समझ रहे हो। असंभव भी तो नहीं है, कठिन अवश्य हो सकता है। किंतु जो कठिनाइयां हम भोग रहे हैं उससे अधिक कठिन तो नहीं होगा। वृत्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है, देवराज इससे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? देवगुरु, मैं हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर विलंब का क्या कारण है देवराज? मुझे वृत्रासुर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवराज, मित्रता जोड़नी हो तो उपाय ढूंढने में कठिनाई होती है, किंतु मित्रता तोड़ने में तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास करो वरुण देव, मानो मेरी बात, आप देवगण, देवगुरु और देवी शची की सुरक्षा के लिए मैं भी वृत्रासुर से मित्रता का नाटक करते करते थक गया, ऊब गया। यदि आप सबकी सुरक्षा की चिंता त्याग कर मैं उससे शत्रुता कर भी लेता हूं तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप स्वयं विचार कर लो। नारायण नारायण। फिर तो ऋषि तुष्टा ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था ऋषि तुष्टा ने? यही कि आप वृत्रासुर के साथ मित्रता नहीं मित्रता का ढोंग कर रहे हैं और उस पर अपना कपट जाल फैला रहे हैं। आप स्वयं ही कहें देवर्षि, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य मार्ग भी क्या है? मैंने श्री हरि के परामर्श के अनुसार वृत्रासुर से मित्रता की, किंतु इस मित्रता से मुझे अथवा देवगण को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस अप्रिय स्थिति के बोझ से हम सभी दबे जा रहे हैं, सोचते भी हैं कि यह सब कब तक सहन करना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, दुविधा, तर्क, इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि मित्र के साथ विश्वासघात करना ये स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि। अरे मित्र पर्वत, मैं तो तुम्हें से मिलने यहाँ आया था, आओ उस ओर चल के कुछ मन की चर्चा करते हैं, आओ। जय जय ब्रह्मदेव। गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है। क्या है वो कठिनाई गुरुदेव, हमें उसका समाधान भी बताएं। देवी सची, ब्रह्मदेव ने जब वृत्रासुर को वरदान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभचिंतक हैं,
आप उनसे पूछें। क्या पूछें गुरुदेव? यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा। अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा देवराज। अब देवराज, यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कार्य करते तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं अनुकूल होती। मैं मानता हूँ देवराज, किंतु अब आपको भी हमारी एक प्रार्थना माननी होगी। वो क्या है? हम सब आपके नेतृत्व में ब्रह्मदेव के पास चलेंगे। गुरु, आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। चलिए देवराज। प्रणाम जगत पिता। स्वर्ग पर आए संकट के समाधान के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं परम पिता। हमें ज्ञात था कि हमने जिसे वरदान दिया है वो आपको समस्याएं देगा और फिर आप हमें कष्ट देंगे। ब्रह्मदेव, कष्ट आपको न दें तो फिर और किसे दें? हमें ये कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वरदान न दिया करें ताकि वे हमें पीड़ा न दें और फिर आपको कष्ट न दें। हम तो केवल आपसे समस्या का समाधान चाहते, उपाय पूछना चाहते हैं। कारण कि जिसे आपने वरदान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं। देव गुरु बृहस्पति, हम सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं। तो फिर वृत्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परमपिता? इस प्रश्न में छुपे हुए सत्य को भी हम समझ रहे हैं देवराज, के शक्ति उपासक त्वष्टा और आपके बीच शत्रुता के कारण स्वर्ग में जिस अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ है उसका शीघ्र अंत अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूँ। हमें कुछ अधिक कहने को विवश न करें देवराज, कृत्य करके आप अनेक बार लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनः पुनः कुकृत्य कर लेते हैं। यह आपका कैसा आचरण है? कोई निम्न कोटि का प्राणी ऐसा करे तो न तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है और न ही न्याय नीति का तर्क। परंतु जब देवताओं का राजा स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे, महासागर जितना आश्चर्य होता है। ब्रह्मदेव, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। ब्रह्मदेव, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न कठोर सत्य को देवराज समझ गए हैं। अब उन्हें किसी प्रकार वृत्रासुर से स्वर्ग की रक्षा करनी है। स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पीड़ित हैं। हाँ परमपिता, वृत्रासुर स्वर्ग पर सदा सदा के लिए तो अधिकार नहीं कर सकता। परमपिता, सृष्टि रचना के समय स्वयं आपने ये नियम निर्धारित किया था कि स्वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा। सदा ऐसा ही होगा देवराज। आप उपाय बताएंगे तभी होगा परमपिता। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके अंत के लिए सर्वथा भिन्न उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय परमपिता? एक नए वज्र का निर्माण करना होगा। नया वज्र? हाँ, तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के वध में खंडित हो गया, अब एक नए वज्र की आवश्यकता है देवराज। परंतु वो कहाँ से प्राप्त होगा परमपिता? वो भगवान शिव के कृपा पात्र किसी तपस्वी महर्षि की अस्थियों से ही निर्मित होना चाहिए। वे महर्षि कौन है ब्रह्मदेव? शिव जी के परम भाव महर्षि दधीच, जो शीघ्र ही जन्म लेने वाले रुद्रावतार पिपलाद के पिता बनने वाले। आपको अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए महर्षि दधीच की शरण में जाना होगा। हे देवाधिदेव महादेव, हे कैलाश, हे शिव शंकर, बेचारी सुवर्चा लंबे समय से संतान कामना के उद्देश्य से आपका स्मरण कर रही है। अब तो अपने वरदान को फलित करें महादेव। आपके समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर्ण करें देव। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
जागो देवी सुअर्चना। भगवान शिव ने तुम्हारी आराधना स्वीकार कर ली है। अब तुम शीघ्र ही रुद्रावतारी पुत्र की माता बनोगी। भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धन्य हो गया मेरा जीवन। जय भोले शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई।